तो स्वागत आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर न्यू वैकेंसी 2023। बहुत बड़ी अपडेट आपको मिल चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे देने वाले हैं 720 प्लस भर्ती आ रही है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे वो कम्प्लीट डिस्कस करेंगे, और उम्र क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होगा आपका, जो एज लिमिट बात करते हैं सिलेबस बात करेंगे, सैलरी क्या होने वाला है, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस, और आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मिलेगा। हाइट वेट वगैरह सारा कुछ डिस्कस करेंगे, महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट, बिहार के किसी भी अपडेट के लिए या फिर कोई भी लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना है, ताकि वहीं पर हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और लेके चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। राइट, इससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए आप लोग, वन रची और वन पाल। राइट, फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर का 720 पदों पर जल्द होगी भर्ती, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये पटना जो पेपर है वहाँ से निकला है, मतलब कि बिहार के वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण वन एंड जलवायु परिवर्तन विभाग जल्द वन रची और वन पालों की भर्ती करेगा। यह भर्ती 720 पदों पर की जाएगी। विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, विभाग तरफ से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। राज्य सरकार की सहमति से इसे केंद्रीय जो सिपाही चयन परिषद जो आपका है, जो कि एग्जाम आपका वगैरह कंडक्ट कराता है, जो भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट कराता है, उसको भेज दिया जाएगा। और पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन विभाग के पास फॉरेस्ट गार्ड और वन पालों की काफ़ी कमी लंबे समय से है, यह जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। जबकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहाँ है और कैमूर को अगला व्याघ्र अभयारण्य बनाने की तैयारी में विभाग जुटा है। असल में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, साथ ही राज्य सरकार ने इनकी टूरिज्म का काम भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सौंपा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नए जो भर्ती निकाले जाएंगे 720 पदों पे भर्ती कराए जाएंगे। ओके, और 1565 नए गार्ड वन पाल हो जाएंगे, ये दे रखा है, और 720 यहाँ पर कराए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट गार्ड दोनों के निकाला गया। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि वैकेंसी ये कब तक आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए ये वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो एक तो चीज़ पहले मैं बता दूं आपको, क्योंकि 20 जुलाई तक आपको पता है बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल का वैकेंसी आया है, 20 जुलाई तक फॉर्म आपका भरा जा रहा है। जुलाई में भर्ती आने का कोई भी चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं। ऑलरेडी मैंने पहले भी कई बार बता चुका है कि आपका जुलाई में भर्ती अब कोई नहीं आएगा। अब भर्ती आपको कब मिलेगा देखने को, ये जुलाई के लास्ट मंथ में नोटिफिकेशन मिलेगा, या फिर अगस्त में आपको 10 तारीख तक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जुलाई को कन्फर्म मत कीजिए, लेकिन अगस्त में मैं कन्फर्म हूँ, आप भी कन्फर्म हो जाए। अगस्त में 10 तारीख तक ये नोटिफिकेशन मिलेगा, अगस्त में ही ये फॉर्म फिलअप वगैरह का, तो ये सारा चीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सितंबर में आपको, सितंबर में क्यों नहीं आएगा, सितंबर से पहले इसलिए आएगा क्योंकि सितंबर में लास्ट तक आपको किस चीज़ का वैकेंसी, दरोगा वाला भर्ती भी आने वाला है, तो उससे पहले ये वाला भर्ती आएगा, जो कि 10 अगस्त तक आपको देखने को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये आप समझ लीजिए। चलिए हम थोड़ा सा इसके प्रोसेस की बात कर ले, कैसे क्या होने वाला है। चलिए, जो फॉरेस्ट गार्ड का जो क्वालिफिकेशन रखा गया वो क्या रखा गया वो देख लीजिए। भारतीय नागरिक ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए 12th पास होना चाहिए, बस 12th पास होना चाहिए, आप ध्यान रख लीजिए, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड से 12th पास होना चाहिए, यहाँ पे आपको दे रखा है। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे एग्ज़ाम जो आपका कराया जाएगा 10th लेवल पे ही कराया जाएगा। अभ्यर्थी की उम्र जो मैट्रिक का जो है, सॉरी, जो अभ्यर्थी का उम्र है वो क्या कराया जाएगा, मतलब कि 10th का जो मार्कशीट है उससे आपको 18 साल न्यूनतम, और मैक्सिमम आपका 23 साल ये जनरल कैटेगरी के लिए एज रखा गया है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वगैरह होते हैं इनके लिए देखिए यहाँ पे, और ये प्रक्रिया जो है दे रखा है यहाँ पे, ये सब छोड़ दीजिए, आपको 18 से 25 साल पिछड़ा वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आपको उनको 25, मतलब कि क्या वाला, जो बीसी और ईबीसी कैंडिडेट है ना, उनको 18 से 25 साल तक फॉर्म यहाँ भर सकते हैं, ये आप ध्यान दे दीजिए। और 18 से 28 साल तक यहाँ पे जो SC ST कैटेगरी के पुरुष एवं महिला हैं, SC और ST कैटेगरी जो भी हैं, उनको 18 से 28 साल तक फॉर्म फिलअप आप कर पाएंगे, यहाँ पर आपको साफ साफ दे रखा है। और यहाँ पर, और जो आयु सीमा में अधिकतम छूट 5 वर्ष की यहाँ पे दे सकते हैं देना, ये जो भी यहाँ पे बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक जो मतलब कि एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 5 साल का एक्स्ट्रा छूट यहाँ पे
मिलेगा वो साफ साफ दे रखा है। चलिए शारीरिक मापदंड की बात कर ले तो शारीरिक मापदंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं, न्यूनतम ऊंचाई जब मतलब कि ये पुरुष अभ्यर्थी है मतलब कि मेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए इधर दे रखा है 160 सेंटीमीटर और अन्य जो भी होंगे वो 165। यहाँ पे जो भी अगर बात करें यहाँ पे ईबीसी कैंडिडेट जो होंगे उनको 160 यहाँ पे आपको मिलने वाला है देखने को कितना है? वो तो आप देख लीजिए 162। ओके तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम सीना फुलाना है जो बिना फुलाए 79 और फुला के जो दे रखा है मतलब बिना फुलाए 79 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड करना है कितना 5 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हैं ये एससी कैटेगरी डिग्री है और यहाँ पे 81 से 85 86 तक आपको एक्सपेंड करना होगा। और पैदल चलने की क्षमता का मतलब पैदल चलिए या फिर दौड़िए, 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको करना होगा और 4 घंटे में यहाँ पे हाँ ये भी दे रखा है एससी एसटी कैटेगरी के लिए और ये भी अन्य कैटेगरी के लिए, सभी के लिए उतना ही दौड़ना है, दौड़ में कोई भी छूट वगैरह नहीं है। हाँ चलिए महिला कैंडिडेट की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, इनको भी इनको 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है, 160 सेंटीमीटर अन्य कैटेगरी के लिए होना यहाँ पे दे रखा है। ओके तो ये आप ध्यान दीजिए और 4 घंटे में 14 किलोमीटर ये भी साफ साफ। इनका प्रथम चरण जो होगा वो लिखित परीक्षा कराया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ये देख सकते हैं प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा। और प्रश्न पत्र जो होंगे 2 घंटों के प्रश्न पत्र होंगे, 4 भाग होंगे जिसमें 100 प्रश्न आपको होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, मतलब कि 100 क्वेश्चन होगा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 400 नंबर का ये पेपर होने वाला है और 2 घंटे में पेपर ये कंडक्ट कराया जाएगा। ओके भाग 1 में 30 प्रश्न आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समान ये दे रखा है, भाग 2 आपका 25 प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के आधारभूत संख्या आंकड़ों मैथ वगैरह संबंधित, और यहाँ पे सामान्य विज्ञान 25 अंक और उसके बाद दे रखा है हिंदी भाषा से संबंधित 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भाग 4 में यहाँ पे दे रखा है 20 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित, 20 क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। तो ये आप समझ लीजिए पाठ्यक्रम मैंने बता दिया। ऋणात्मक निगेटिव मार्किंग जो आपका होने वाला है 1/3 का है, सीधा सीधा 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, 1/3 अंकों की दंड के रूप में काटा जाएगा, ये आप समझ लीजिए। अगर 1 क्वेश्चन का 2 ये आप समझ लिए, उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं इन परीक्षा में कोटे के लिए न्यूनतम अर्थांक जो दे रखा है कट ऑफ मार्क्स, ये न्यूनतम है बट इससे कोई मतलब नहीं है, जितना ज़्यादा स्कोर करिएगा वो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, ये आपने समझ लिया। चलिए अब हम आपको ये वाला तो आपने समझ लिया राइट। अगर बात करें सैलरी की तो सैलरी जो आपका मिलने वाला है, सैलरी जो मिलता है लेवल 3 का, जो कांस्टेबल का सैलरी होता है ना उतना ही सैलरी आपको फॉरेस्ट गार्ड में देखने को मिलता है जो कि 12th पास पे होता है फॉरेस्ट गार्ड में, तो 21,700 से आपको सैलरी स्टार्ट हो जाता है जो कि 69,100 तक आपको मिलता है, तो ये नोट कर लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं फॉरेस्टर जिसको वनपाल कहते हैं, तो वनपाल के लिए आयोजन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको देख सकते हैं समक्ष उत्तीर्ण योग्यता जो दे रखा है यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ आपको शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय कंसर्स इंटर विज्ञान अथवा समक्ष, ये मैं आपको दिखा दूँ जस्ट वेट, ये आपका वही चीज़ दे रखा है 27 साल यहाँ पर दे रखा है, उसमें 28 साल था तो ये चीज़ दे रखा है। ओके और यहाँ पे दे रखा है उम्र सीमा जो दे रखा है 30 साल तक रखा गया है, मतलब इसमें ज़्यादा थोड़ा सा रखा गया है। चलिए यहाँ पे भी वही सारा कुछ वही है, पुरुष अभ्यर्थी का वही चीज़ दे रखा है 4 घंटे में 25 किलोमीटर, यहाँ पे भी है सारा कुछ मतलब कि वही दे रखा है राइट, हाइट वेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर भी वही है। महिलाओं के लिए भी वही दे रखा है जो मैंने फॉरेस्ट गार्ड का बताया वही चीज़, यहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा और प्रश्न में 2 घंटे यहाँ पे दिए जाएंगे, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 400 अंकों का पेपर होगा, यहाँ पे आप समझ लीजिए। ओके तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, मैं आपको बता दूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 प्रश्न होंगे, यहाँ पर 15 प्रश्न आपका यहाँ पर सामान्य ज्ञान से प्रश्न तार्किक कौशल से जो कि रीजनिंग बोलते हैं, और 50 क्वेश्चन आपको भौतिक रसायन एंड जीव विज्ञान से दे रखा है, तो 50 और 30 80 हो गया, और 20 नंबर आपका हिंदी 20 प्रश्न होंगे जिसमें 10 हिंदी भाषा से संबंधित होंगे और 10 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के संबंधित होंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस किया गया है मतलब कि डिफरेंट किया गया है फॉरेस्ट गार्ड के। निगेटिव मार्किंग जो आपका होने वाला है यहाँ पर वो कितने तरीके से निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी आपको 1/3 यहाँ पर कराया
जाएगा। बाकी सारा कुछ वही है। बाकी वीडियो कैसा लगे जरूर बताएगा। सारा कुछ हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। हाँ, ये भर्ती आपका कब मिलेगा? तो ये भर्ती आपको अगस्त में मिलने वाला है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाहर है, क्योंकि इलेक्शन है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। बाकी इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो इस पर व्हाट्सएप आप कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाए। नंबर नोट कर लीजिए, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।